नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सबका स्वागत है। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिंस राज। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। सदर थाना क्षेत्र के फर्दो पुल के नीचे और गोबरसही के चाणक्य बिहार कॉलोनी में दो युवकों का शव मिलने से भड़का आक्रोश, लोगों ने पुलिस के खिलाफ दिखाया गुस्सा। नवरात्र के अष्टमी और नवमी पूजा को लेकर भक्तों ने माता का खोइचा भरने के साथ किया कुमारी पूजन। भक्तों ने नम आंखों से माता की विदाई। दशहरा मेला के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने से लेकर यातायात सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए एसएसपी और सीटीएसपी सीसीटीवी कैमरे के साथ सड़क पर निकलकर की निगरानी। ब्रह्मपुरा में एसबीआई एमआईटी ब्रांच के पास बाइक चोर को पकड़कर लोगों ने की पिटाई, भीड़ से निकलकर पुलिस ने चोर को कब्जे में लिया। और विजयादशमी पर शस्त्र पूजा के बाद खुलेआम फायरिंग की वायरल हुई वीडियो को एसएसपी ने गंभीरता से लिया, कहा कि शस्त्र धारकों पर होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के फर्दो पुल के नीचे और गोबरसही चाणक्यपुरी कॉलोनी में दो युवकों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सदर थाना क्षेत्र के दो अलग अलग स्थानों से शनिवार को दो युवकों का हत्या कर फेंका गया शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने फर्दो गोला पुल के नीचे से अज्ञात युवक का सिर कटा शव बरामद किया। वहीं चाणक्य विहार कॉलोनी से गला काट कर हत्या कर फेंका गया शव बरामद किया। उधर एक ही थाना क्षेत्र में दो युवकों का शव मिलने से जनाकोश भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने विधि व्यवस्था के सवाल पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभी सुबह 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 हम लोग को मालूम हुआ कि गोबरसही इलाके के चाणक्य विहार में भी एक हत्या करके उनका निर्मम हत्या कर दिया गया है, जिसमें उनका गला और गुप्तांग काट दिया गया है। और डुमरी, ये गोबरसही फोर लाइन, डुमरी फोर लाइन पर भी एक लाश मिली है। और कल हमारे ग्रामवासी ही जो कि वर्तमान में भगवानपुर में निवास कर रहे थे, राजेश पांडे, उनका भी रेवा घाट में हत्या, निर्मम हत्या करके गला काट कर फेंक दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन किसी भी चीज़ पर एक्टिव नहीं है। और मात्र सदर थाना से 1 किलोमीटर के रेंज में ही ये सारा घटना हो रही है। और इसमें कहीं से प्रशासन के तरफ से या एसपी साहब या हमारे थाना अध्यक्ष के महोदय से कोई भी किसी तरह का कोई घटना को रोकने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा। लोगों की हत्या हुई है, इनका नाम अभी इनका नहीं जाना जा रहा है। कितनी हत्या हुई है? अभी आज शायद दो हुई है और कल एक हुई थी, ये मिलाकर अभी कल से आज तक 3 हत्या हो चुकी है। की क्या पोजीशन है? आज की हत्या की पोजीशन बहुत ही बदतर स्थिति में, उनका हत्या निर्मम एकदम समझिए, पेड़ भी गिरा हुआ है, उनके कलेजे पे पेड़ रख के, खजूर का पेड़ रख के गला काट कर और गुप्तांग भी काट दिया गया है। लोगों का गुस्सा जायज है, जिस तरह से दिन प्रतिदिन घटना घटती जा रही है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ लोग को, और इतना निर्मम हत्या जो की जा रही है, पता भी नहीं चल रहा है लोगों का लाश का कि कहाँ कहाँ है, नहीं है, किस परिस्थिति में जो किया गया, देखने से तो लगता है कि आसपास के गांव का तो नहीं है। गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन का हवा निकाल दिया और सड़क पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को मृतकों का शव उठाने से रोक दिया। स्थिति के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे वरीय पुलिस अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को संभाला तथा फर्दो गोला पुल के नीचे से मिले अज्ञात युवक के सिर कटे शव तथा चाणक्य विहार कॉलोनी गोबरसही से मिले गला काटकर हत्या किए गए अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। अभी एक आदमी का यहाँ डेड बॉडी मिला हुआ है, उसके शरीर पर कुछ जख्म के निशान भी है। आम लोगों में थोड़ा सा आक्रोश इस बात को लेके है कि शायद गश्ती हमारी इस एरिया में नहीं हो रही है, तो हमने लोगों को आश्वासन दिया है कि इस बार जो पुलिस पब्लिक मीट हो रही है वो इसी गाँव में होगा और बाकी लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे और इनका सेक्शन लेवल 100% हो जाए उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक ये बॉडी का सवाल है, किसी ने अभी इसकी पहचान नहीं की है, हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह अपना काम शुरू कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसकी पहचान भी होगी और जो भी अभियुक्त होंगे उसमें उनकी गिरफ्तारी। आज एक और डेड बॉडी मिलने की बात आ रही है। हाँ, एक और डेड बॉडी हम लोग को मिला है, वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उसको देखने से लग रहा है कि कहीं से ला के उसको फेंक दिया गया है। तो अभी यहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ भी जाऊँगा और ये देखूंगा कि उसमें क्या माजरा है। दोनों को क्या लगा देखने से, डेड बॉडी देखने से क्या? ये डेड बॉडी देखने से तो लग रहा है कि इसकी हत्या की गई है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अलग अलग स्थानों से मिले दोनों युवकों के शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस दोनों मामलों की जांच पड़ताल कर रही है।
15 अक्टूबर को सतपुरा में मोहम्मद नसीम उर्फ बिल्ला की गोली मारकर की गई हत्या मामले में अभियुक्त मोहम्मद मोहन्ना ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बीते 15 अक्टूबर को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सादपुरा बसवारी टोला में हुए मोहम्मद नसीम उर्फ बिल्ला की हुई गोली मारकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद मुन्ना ने बीते 17 अक्टूबर को अदालत के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के पश्चात अदालत के आदेश से पुलिस ने मोहम्मद मुन्ना का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया, तत्पश्चात उसे जेल भेज दिया गया। समीर हत्याकांड मामले में पकड़े गए जमीन कारोबारी श्याम नंदन मिश्र को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किए गए जमीन कारोबारी श्याम नंदन मिश्र को पूछताछ के बाद पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 24 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टर द्वारा श्याम नंदन मिश्र के स्वस्थ होने की संपुष्टि पत्र दिए जाने पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। ज्ञात हो कि पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड मामले में श्याम नंदन मिश्र का नाम आने के बाद पुलिस ने उसे 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। नवरात्र के अष्टमी और नवमी तिथि को भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ कुमारी पूजन भी किया। नवमी को हवन के साथ ही भक्तों ने नम आंखों से माता को विदा किया। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि गुरुवार को भक्तों ने श्रद्धा और आस्था के साथ मां दुर्गा के नौवे रूप महागौरी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जगह जगह कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत माता के भक्तों ने कुंवारी कन्याओं का पूजन किया तथा कुंवारियों को श्रद्धा के साथ भोजन कराया गया। नवमी को विभिन्न पूजा पंडालों में महिला श्रद्धालुओं ने माता का खोइचा भर पूजन भी किया। शुक्रवार को दसवीं तिथि को भक्तों ने नम आंखों से भक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा को विदाई दी। इसके साथ ही मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया, जो शनिवार तक जारी रहा। शुक्रवार को विजयदशमी के अवसर पर बंगाली समाज की महिलाओं ने कोला कोली विधि के साथ मां दुर्गा को विदाई दी। मुजफ्फरपुर जिले में हरिसभा दुर्गा पूजा समिति का बंगाल की पद्धति से पूजा अर्चना और विसर्जन विधि इस बार भी लोगों को कोलकाता की प्रसिद्ध पूजा की याद दिला गई। शुक्रवार को दसवीं तिथि को नगर के तमाम बंगाली समाज की महिलाओं ने कोली कोला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी तथा मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए जुलूस निकाल कर ले गए। माता के विसर्जन जुलूस में शामिल बंगाली समाज की महिलाएं और पुरुष ढाक के साथ झूमते जयकारा लगाते मां की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले गए। कोलकाता की बंगाली पद्धति से माता के इस विसर्जन जुलूस को देखने के लिए नगर की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विजयदशमी के अवसर पर बैरिया आयाची ग्राम स्थित अपराजिता मंदिर में भंडारा का आयोजन किया गया। शुक्रवार दसवीं तिथि को बैरिया आयाची ग्राम स्थित अपराजिता दुर्गा मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर पूजा समिति के द्वारा उपस्थित सैकड़ों भक्तों को माता के महाप्रसाद के रूप में पूरी खीर और सब्जी का भोजन कराया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि प्रत्येक साल शारदीय नवरात्र की दसवीं को यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में जो भी मनोकामना लेकर के भक्त आते हैं उनकी पूरी होती है। आज तक माता के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया, यही इस मंदिर की मान्यता है और यही इस मंदिर की ताकत है।
और माता का ही पावन है कि हर साल इतना बड़ा भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए किसी भी विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। माता की कृपा से लगभग 10,000 लोग यहाँ भोजन करते हैं, लेकिन आज तक कभी घाटा नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। और इसकी विशेषता, आज तक जो भी भक्त यहाँ पर दिल से कुछ भी मांगे हैं उनका पूरा हुआ है। विजयादशमी के अवसर पर मुसहरी प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुसहरी प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित मैदान में विजयदशमी तिथि शुक्रवार की शाम रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बुचहा की विधायक बेबी कुमारी ने किया। उद्घाटन के साथ ही विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया गया। इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए मैदान में सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ थे। दुर्गा पूजा को लेकर नगर की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब के नियंत्रण तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी और सीटीएसपी सीसीटीवी और स्वयं सड़क पर निकलकर स्थिति की निगरानी करते रहे। दशहरा मेला को लेकर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में, भीड़ में सब कुछ ठीक ठाक रखने को लेकर जिले के आला पुलिस अधिकारी अष्टमी और नवमी पूजा को दिन रात पूरी तरह मुस्तैद रहे। दुर्गा पूजा को लेकर नगर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के साथ साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी मनोज कुमार स्वयं शाम से लेकर देर रात तक नगर में जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नगर के हालात की निगरानी करते रहे। साथ ही वायरलेस के माध्यम से शहर के कोने कोने में तैनात पुलिस पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर स्थिति का जायजा लेते रहे। इससे पूर्व एसएसपी मनोज कुमार अपने अनोखे अंदाज में नगर के सड़कों पर निकले। उन्होंने टावर चौक से लेकर अखाड़ा घाट तक पेट्रोलिंग कर न केवल स्थिति का जायजा लिया बल्कि भीड़ नियंत्रित करने तथा यातायात सुचारू रखने को तैनात किए गए स्काउट गाइड और एनसीसी के कैडेटों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। नगर में अनोखे अंदाज में निकले एसएसपी के इस रुख को देखकर ही असामाजिक तत्व पतली गली से अपने सुरक्षित स्थान को निकल गए। उधर पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने को लेकर सीटीएसपी राकेश कुमार ने भी सराहनीय भूमिका निभाई। अष्टमी और नवमी पूजा के दिन स्वयं सीटीएसपी राकेश कुमार टावर चौक पर कई घंटे तक जमे रहे। इस दौरान उन्होंने भीड़ नियंत्रण के लिए लगाए गए एनसीसी कैडेटों के साथ काम कर उनकी हौसला अफजाई की और कैडेटों को प्रोत्साहित भी किया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं और अभी भीड़ प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर पुलिस सीनियर मुजफ्फरपुर के डायरेक्शन में हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चप्पे चप्पे पर जो भी डेपुटेशन हुई है सभी अपने मौके पर मौजूद हैं। थाना प्रभारी, डीएसपी, सीटीएसपी सभी हम लोग मौजूद हैं और हमारी यही कोशिश है कि लोगों को दिक्कत ना हो। अभी श्रद्धालु हैं, पंडाल घूमने काफ़ी टाइम हो रहा है और थोड़ी रात और गहराई की थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन हम लोग अभी हैं ताकि प्रकार कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान सड़क पर विचरते असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को सीटीएसपी स्वयं देर रात तक स्टेशन रोड में पेट्रोलिंग करते रहे। दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में माता के दर्शन को उमड़ी भीड़ देर रात तक नगर की सड़कों पर विचरती रही। इस भीड़ में खासकर युवा वर्ग के लोग शामिल थे। देर रात तक नगर की सड़कों पर विचरते लोगों की निगरानी के लिए सीटीएसपी राकेश कुमार स्वयं नगर में निकले। उन्होंने नगर के मोती झील ओवर ब्रिज और धर्मशाला चौक के पास घूमते कई बाइक सवारों को पकड़ा। साथ ही स्टेशन रोड में विचरते कई युवकों को रोककर उनकी न केवल पड़ताल की बल्कि युवाओं को हरकाया। सड़क पर बिना हेलमेट के बाइक चला रहे युवकों को भी सीटीएसपी ने पकड़ा तथा उन्हें हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाने की नसीहत दी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एसबीआई एमआईटी ब्रांच के पास बाइक चुराने का प्रयास करते चोरों को लोगों ने पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी।
ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के SBI MIT शाखा के समीप बाइक चोरी का प्रयास करते एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। भीड़ द्वारा चोर की पिटाई किए जाने के क्रम में ही ब्रह्मपुरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और भीड़ से बाइक चोर को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। इस मामले में SSP मनोज कुमार ने भीड़ द्वारा बाइक चोर की पिटाई किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी आम नागरिक को या भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर लोग इस तरह करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करते हैं किसी सूचना दे, कानून अपने हाथ में नहीं ले, पुलिस सक्रिय है और कार्रवाई करेगी। अन्य मामले में मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो चोर पकड़े जाए या कोई अन्य मामले में पकड़े जाए, किसी भी पब्लिक को कानून हाथ लेने की न तो जरूरत है और न तो कानून कहता है। अगर है जो कानून हाथ में लेते हैं तो उनके विरुद्ध भी अपराधियों जैसे ही कार्रवाई की जाएगी। खबरें अभी और भी हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। Concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित Genius Classes में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वॉन्ट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 7635091387 7635091387 7635091396। जीनियस नाम ही पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525 5873 70 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9th फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग,
नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर 7463884603, 9006877392, 8539857777। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी में खुल गया है उत्तर बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा सभी प्रकार के रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर की सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ यहाँ बजाज तथा HDFC बैंक फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट पर उपलब्ध है। ब्लू स्टार की 75वीं वर्षगांठ और त्योहारों के मौसम में ब्लू स्टार वाटर प्यूरिफायर खरीदने पर सुनिश्चित उपहार पाएं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेस, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस, आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9334900888, और यू मे डायल 9234900888, और यू कैन डायल 9973246300। का एकमात्र एक्सक्लूसिव ब्लू स्टार शोरूम आपके शहर में 75वें वर्ष गांठ पर इस त्योहारों के मौसम में सभी प्रोडक्ट्स पे सुनिश्चित उपहार दे रही है, तो एक बार जरूर पधारिए। ब्रेक के बाद खबरों में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विजयदशमी को शस्त्र पूजा कर खुलेआम फायरिंग करने का वायरल हुए वीडियो के आधार पर SSP ने शस्त्र धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नगर के एक इलाके में विजयदशमी तिथि शुक्रवार को शस्त्र धारकों द्वारा शस्त्र पूजा के बाद की गई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के मामले को SSP मनोज कुमार ने गंभीरता से लिया है। SSP ने बताया कि वायरल हुए वीडियो के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। शस्त्र पूजा के दौरान खुलेआम फायरिंग कर रहे वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर शस्त्र लाइसेंस ही पाया गया तो शस्त्र का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। लाइसेंसी है तो आप उससे है जो ट्रिगर हैपी होकर के आपका जो फायर करके खुशी नहीं जता सकते, ये नियम विरुद्ध है। जैसे ही मामला सामने आएगा
हथियार हम जब्त करेंगे और उसका लाइसेंस को कैंसिल करेंगे। सर सकरा थाना क्षेत्र में शस्त्र जब्त करेंगे और हम पूछेंगे उनसे ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें आपने एफआईआर किया है। अनसुपरवाइज परिस्थिति में और उसका आर्म्स का मिसयूज माना जाएगा और आर्म्स रूल के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को ऑटो में एक महिला को चोरी का शिकार बनाने वाली तीन महिला चोर को लोगों ने शनिवार को अघोरिया बाजार के पास पहचान कर लिया और तीनों की जमकर पिटाई कर दी। शुक्रवार की रात ऑटो पर सवार होकर मिठनपुरा से पक्की सराय आने के क्रम में उसी ऑटो पर सवार तीन महिला चोर ने मिठनपुरा पठान टोली मोहल्ले की फिरोजा खातून की पर्स नगद 10,000 रुपए आदि चोरी कर ली। ऑटो पर घूमकर महिलाओं को चोरी का शिकार बनाने वाली तीनों महिला चोर की खोज में अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ निकली फिरोजा खातून ने शनिवार को अघोरिया बाजार चौक के पास उस तीनों महिला चोर को पहचानते हुए पकड़ लिया। महिला चोर पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही जमा हुई भीड़ ने तीनों महिला चोर की पिटाई कर दी। इसके बाद तीनों महिलाओं को काजी मोहम्मदपुर थाना ले जाया गया, जहां भीड़ में शामिल कई अन्य महिलाओं ने यह खुलासा किया कि ये तीनों महिलाएं उन लोगों को भी अपना शिकार बना चुकी है। इसके पश्चात पुलिस ने तीनों महिला चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि महिला का पर्स से पैसे मार गई थी, महिला ने पहचान किया, हम लोग एफ आई आर दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी घुमंतु परिवार यहाँ पर है हम लोगों से आग्रह करते हैं कि उसे सूचना दें। कानून अपने हाथ में नहीं है, पुलिस सक्रिय है और कार्रवाई करेगी। अन्य मामले में मैं बता दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि चाहे वो चोर पकड़े जाए या कोई अन्य मामले में पकड़े जाए, किसी पब्लिक को कानून हाथ में लेकर न तो जरूरत है और न तो कानून कहता है। अगर है जो कानून हाथ में लेते तो उनके विरुद्ध भी अपराधियों जैसे ही कार्रवाई की जाएगी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह रविवार को अम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। 21 अक्टूबर को आम्रपाली ऑडिटोरियम में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह का उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी करेंगे, जिसकी जानकारी श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति के सचिव उमेश पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने ये भी कहा कि समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय शामिल होंगे। आज की यह प्रेस वार्ता आगामी 21 अक्टूबर 2018 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की 131वीं जयंती मनाने के सिलसिले में किया गया है, जो आम्रपाली स्टेडियम में 11 बजे दिन से प्रारंभ होगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा विजय कुमार चौधरी जी करेंगे। मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद सांसद, विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर सीपी ठाकुर, स्थानीय मंत्री सुरेश शर्मा जी, गोपाल नारायण सिंह जी सांसद गोपाल नारायण सिंह होंगे। जिले के विभिन्न भागों से हजारों हजारों की संख्या में लोग आएंगे और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में के दौरान एक पत्रिका स्मारिका अग्रणी का भी लोकार्पण होगा। साथ ही श्री बहु पर लिखी हुई एक जीवनी प्रेरक व्यक्तित्व उसका भी लोकार्पण उस दौरान होगा। नगर के मक्खन शाह चौक स्थित महावीर मंदिर में हनुमान आराधना का आयोजन किया गया। मक्खन शाह चौक स्थित महावीर मंदिर में शुक्रवार को हनुमान आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले के सैकड़ों लोग शामिल हुए। हनुमान आराधना में भजन कीर्तन के साथ भगवान हनुमान की गाथा सुनकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए।
कलमबाग रोड प्रोफेसर कॉलोनी के समीप दशहरा के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ। कलमबाग रोड प्रोफेसर कॉलोनी स्थित विजयादशमी के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक हाउस का शुभारंभ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक हाउस में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मिक्सी, अत्याधुनिक सभी प्रकार के सामग्री उपलब्ध है। खुदरा एवं होलसेल इलेक्ट्रॉनिक हाउस के प्रोप्राइटर बबलू जी ने बताया कि इस शोरूम में ग्राहकों के सभी सुविधा का ख्याल रखा गया है, मार्केट से उचित मूल्यों पर। आज दशहरा का पर्व है, शुभ दिन माना जाता है, इसलिए आज दुकान का ओपनिंग किया गया है। क्या चीज मिलता है ये इलेक्ट्रिक सामान? हाँ, इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी सामान थोक है खुदरा भाव में। टोटल ब्रांडेड सामान पाए। अच्छा, इस इलाके में इस तरीके की दुकान नहीं, या फिर मतलब यहाँ के लोगों के लिए क्या सोच के आपने खोला? यहाँ इस सुविधा की दुकानें उपलब्ध नहीं थी, यही सोच के। क्लब रोड स्थित आनंद कॉम्प्लेक्स में विजयादशमी के अवसर पर बीवर लेडीज आउटलेट का शुभारंभ किया गया। क्लब रोड स्थित आनंद कॉम्प्लेक्स में विजयादशमी के अवसर पर बीवर लेडीज आउटलेट का शुभारंभ किया गया। जिले में ये पहला बीवर का आउटलेट है। इस आउटलेट में लेडीज कुर्ती, टॉप तथा लेगीज का सभी प्रकार का रेंज उपलब्ध है। कंपनी के एरिया मैनेजर ने बताया कि मार्केट को देखते हुए कम रेंज में बेहतरीन कलेक्शन के साथ मुजफ्फरपुर के बाजार में कंपनी उतरी है। लोगों ने पहले तो पूरा मार्केट स्टडी किया है। हम लोग मुजफ्फरपुर में लास्ट 1.5 साल से अवेलेबल, छोटे छोटे हम लोग MBO में छोटा क्यू शॉप करके ओपन करते थे। ये हमारा मुजफ्फरपुर का फर्स्ट EBO स्टोर है। और जैसे कि आप कंपैरिजन करना चाहोगे जो दूसरे मार्केट में क्या प्रोडक्ट है और इस स्टोर से कैसे कंपैरिजन करोगे, आप किसी भी सेगमेंट में जाओ, आप किसी भी मॉडर्न ट्रेड में, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है वो मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है, तो आप मॉडर्निटी में आप देखोगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप किसी भी मार्केट में सर्च करो तो ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे कोई आप किसी कोई भी स्टोर ओपन हो रहा है तो आपका कोई कस्टमर आ रहा है तो बोला है सर ये प्रोडक्ट तो मेरे को इस शॉप पे भी अवेलेबल है, इस रेट में अवेलेबल है, तो हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी को जो सर ये प्रोडक्ट है आप किसी और शॉप में अगर आपको इस रेट में या फिर ये चीज आपको कहीं पे मार्केट कस्टमर एक बार आएगा तो फिर वापस नहीं जा सकता। हाँ, ये है जो उसको जो टच एंड फील हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो आपको किसी और मार्केट में अवेलेबल नहीं। क्या नाम? अपनी मांगों को लेकर बटलर के कर्मचारियों ने 60वें दिन भी धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रखा। भारत वैगन कर्मियों का धरना 60वें दिन भी जारी है। भारत वैगन कर्मी 28 कर्मियों की पुनः सेवा बहाली की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वैगन कर्मियों का कहना है कि रेल मंत्रालय द्वारा 28 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई और इतने दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रालय द्वारा अब तक कुछ नहीं किया गया। हम लोगों की मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 23 अगस्त 2018 से धरना पर बैठे हुए हैं। अभी हमारा धरना के 60वां दिन हो गया। अभी तक न रेलवे से और न सांसद जी और न विधायक जी कोई खोजा गया है और न रेलवे के तरफ से हमारा सबके कहूँ से कोई पूछताछ है। हम लोग लगातार भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, इसका कोई सुनवाई न ले रहा है। हम लोग क्या गुनाह किए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चलते हम लोग धरना को तेज करने जा रहे हैं, अब रोड पर हम लोग उतरेंगे। आज हम लोग के धरने का 60वां दिन है। ना रेल प्रशासन की तरफ से, ना भारत वैगन की तरफ से, ना किसी सांसद, ना किसी विधायक, ना किसी नेता, ना किसी अफसर की तरफ से किसी तरह से किसी प्रकार का कोई हम लोग को सूचना या हम लोग के देखने वाले की जो होनी चाहिए वो कोई सूद लेने वाला अभी तक नहीं आया है। अब हम लोग की स्थिति दिन ब दिन से बदतर होती जा रही है। उसके बाद सरकार का ये जो उदासीनता है इससे हम ताजुब करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों को लेकर। मुझे और बेरीपुरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।